मुस्तफा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात करता हूँ। 3 महीने में म्युनिसिपल सर्विसेज की सारी पावर उनको देता हूँ एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज। सारे अख्तियार वसीम अख्तर साहब ने मुझे दे दिए हैं, तो मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। ये मेयर साहब, मुझे समझ में नहीं आई कि ये बात के मेरा ऑर्डर निकालने के बाद इन अफसरों को क्यों मना कर रहे हैं मुझसे बात मेरे पास आने के लिए। आप कराची के मसाइल हल करने में सिंसेयर नहीं थे, आप बिल्कुल सिंसेयर नहीं थे, आप फिर वही अपनी सियासत चमकाना चाह रहे थे। मैं सियासत नहीं कर रहा, अगर सियासत करता होता तो जो मेरा दुश्मन है मैं उसको बॉस नहीं कहता। आप कोई नैब के आदमी नहीं हो जो अकाउंट मंगा रहे हो, यू डोंट हैव दैट पावर। सारी चीजों को देखते हुए मैंने आज उसको सस्पेंड किया। अभी भी मैं दोबारा ऑफर करता हूँ कि ये इख्तियारात एग्जिस्टिंग हमें जिस डेट से दोगे उसके 3 महीने के बाद आप ये शेयर साहब ले लो। हैरत अंगेज तौर पर वसीम अख्तर साहब ने अपना इशू किया हुआ नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। ये क्या यू टर्न की हुकूमत है भाई? मुस्तफा कमाल साहब के इस चैलेंज ने वसीम अख्तर साहब के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया है, और मैं डिमांड करना चाहूंगा कि उनको फिल फॉर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से एक दूसरे पे इल्ज़ामात की सियासत का एक बाज़ार है जो कि गर्म है। मेयर कराची हैं, वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं। मुर्तज़ा आप कहते हैं कि मेयर कराची बेहतरी नहीं ला सकते, तो इस्तीफ़े का मुतालबा उन्होंने कर दिया। और मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी यही कहना था कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, कौन कराची के मसाइल हल करेगा और कौन मसीहा बनेगा कराची के शहरियों का। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको करा दूं। हुसैन थेबो साहब हैं, तज़ियाकार हैं। आगा मसूद साहब हैं, तज़ियाकार हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी के लिए। आपने भी देखा और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप लोग भी कराची की तमाम सूरत हाल पर। जो हालत है ओवरऑल कराची की, हर जगह गंदगी कचरे के ढेर लगे हुए हैं और फ़ज़ा भी जो है वो ताफुन ज़दा है। आगा मसूद साहब, मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी, क्या चल क्या रहा है, क्या हो रहा है ये कराची में, क्यों नहीं हालात बदल रहे कराची के? देखिए, ये तो बहुत आपका, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी गुफ्तगू करने के लिए। ये मौजू ऐसा है, कराची हमारा शहर है, हुसैन थेपो साहब का शहर है, पूरे सिंध का शहर है और सिंध का दारुलहुकूमत है। तो मुझे जो सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कराची से मुतालिक जो ख़बरें हैं अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बड़ी डिटेल लिखी है और उसमें ये लिखा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस डर्ट, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी गर्दनें शर्म से झुक गई कि हमारी कोताही, हमारी नालायकी, हमारी नाहली की वजह से आज पूरी दुनिया में कराची जो है वो इस बुनियाद पर देखा जा रहा है कि यहाँ गंद है और यहाँ मतलब ये कि मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, यहाँ की फ़िज़ा जैसे कि आपने फरमाया जो है वो जहर आलूद हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब बाहर मुंतकिल हो गई हैं और यहाँ के जो लोग हैं, जैसे मेयर है, ये आप मुझे बताइए कि ये पहले कहता था कि जेल में जब ये था तो ये कहता था कि मैं जेल से हालात को ठीक करूँगा। अब ये जेल से जब ये बाहर आया तो आप मुझे बताइए कि सिवाय इसके पास एक ही जुमला है और ये कहता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। अच्छा, चलिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कॉलम में ये लिखा कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है और आप वाकई इतने हमदर्द हैं कराची के जैसे कि आप दावा करते हैं, 30 साल हुकूमतें की हैं इन लोगों ने और हर हुकूमत के साथ ये रहे हैं, अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो मेरा ख्याल है कि चाहे मुर्तज़ा वहाब हों और चाहे जनाब मुस्तफ़ा कमाल हों, आप फिर रिज़ाइन कर दें, आप कहिए कि भाई मुझसे नहीं समझता। फिर दूसरी तरफ आपने चैलेंज किया मुस्तफ़ा कमाल को कि आइए मैं आपको गार्बेज डायरेक्टर बनाता हूँ। अच्छा, ये जो बड़ा तजहीक का जुमला था, मतलब दे वॉन्टेड टू इंसल्ट हिम कि भाई दिस इज़ योर पोजीशन एंड आई वांट टू एम्प्लाई। और दूसरी बात ये कि म्युनिसिपल कमिश्नर को पूछा जाइए कि अख्तियार किसने दिया आपको कि आप अपॉइंट करें और कहें इस तरह अपॉइंटमेंट नहीं होते। जो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये देर इज़ ए नो पोलिटिकल विल एक्चुअली टू डू समथिंग फॉर बेटर, समथिंग बेटर फॉर कराची। अगर मुस्तफ़ा कमाल को ये अख्तियार दे देते, चलिए डायरेक्टर कचरा है ना, और वो पहुँच गए थे, आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को मैं ज़्यादा, मतलब ये कि जैसे आम लोग जानते हैं इस तरीके से, मैं भी जानता हूँ साफ़ी कैसे से, मुस्तफ़ा कमाल इज़ ए डूअर। जब मुशरफ साहब ने इनको 300 अरब रुपए दिए थे तो इन्होंने काम करके दिखा दिया था। सही,
ठीक है, तो वो वसीम अख्तर साहब भी तो ये कहते हैं कि मुझे भी इतने पैसे मिले तो मैं भी बहुत कुछ काम कर दूंगा। जब हुसैन साहब आप ख़ुद भी एक एंकर पर्सन हैं और आप देखते हैं कि बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं आप कराची में जो सूरत हाल है, अक्सर आपने अपने कॉलम्स में गुड गवर्नेंस की बात की है, तो कराची में कहाँ है ये, कराची में कहीं नज़र आई आपको? मुझे तो नज़र नहीं आई। अच्छा मैडम, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में और इतने सीनियर आदमी के साथ मुझे बिठा दिया है जिससे मुझे, मैं खुद सीखता रहता हूँ। अच्छा पहले थोड़ा सा हम इसके डायनामिक्स पे, ये कॉम्बिनेशन बन गया है ना सीनियर और जूनियर, नहीं खुद बहुत माशाल्लाह काबिल है, आप उनके प्रोग्राम देखिए। अच्छा पहले इसके डायनामिक्स पे बात करते हैं, ठीक है, कि ये कचरा है क्या। इस वक्त कराची में तकरीबन 13,000 टन जो है वो कचरा निकलता है, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, अच्छा फिर अब आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इस कचरे में से। तकरीबन रोजाना की बुनियाद, रोजाना की बुनियाद, इस कचरे में से रोजाना की बुनियाद पे 15 करोड़ रुपए पैसे कमाए जाते हैं ब्लैक। ठीक, ठीक है जी। इस कचरे की धंधे के साथ 10,000 लोग रोजगार से वाबस्ता हैं। अच्छा। इस कराची के अंदर, ठीक, प्रॉब्लम क्या है कि ये पैसा कहाँ है, ये गार्बेज क्यों नहीं उठ रहा। इसमें एक चीज़ है, आपने सबकी स्पीच में सुना होगा कि जीटीएस पे कोई नहीं पहुंचा रहा, जीटीएस पे कोई नहीं पहुंचा रहा। ये जीटीएस क्या है? ये बेसिकली ये जो जीटीएस है ये है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो है जाम चक्रों के पास। यस, ठीक है। ये है कराची से तकरीबन 46 किलोमीटर दूर। अच्छा, कराची सिटी से तकरीबन 46 किलोमीटर दूर है। अच्छा अब जो ये जो पैसा, ये कहाँ है ये पैसा? तो इस सूरत में है कि जब डिफेंस का, क्लिफ्टन का कचरा उठता है जी, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वहीं पे इसकी सेग्रीगेशन होती है, वहीं पे डब्बे अलग होते हैं, वहीं पे जो कार्टन है वो अलग होते हैं, वो सारी पैसे वाली चीज़ें उठ के फिर आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ कराची में 19 एजेंसीज हैं, ठीक है, एजेंसी से मेरा मतलब ये है कि केएमसी है, केडीए है, डीएमसी है, इनकी 19 और ब्रांचें हैं, ठीक है। ये अपना जहां तक पैसे का मामला है, बेसिक तो इसकी टेक्निक्स में जाना पड़ेगा ना जी, कि ये प्रॉब्लम क्या है, सही। ये कचरा उठ क्यों नहीं रहा, जबकि इसमें अभी एक मेरे दोस्त है जिन्होंने सीएसएस का अभी एग्जाम देने के बाद हमें एक निम की ट्रेनिंग करते हैं जिसको पहले नीपा भी कहते हैं, वैसे ये भी सीएसएस हैं। अच्छा, ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने इस पे रिसर्च किया था कि ये कचरे का मसला है क्या, ठीक। तो उसमें ये चीजें सारी साबित हुई कि ये जो कचरा है एक जगह से उठ के अब डीएमसी के पास आके कचरा, देखिये आपको गलियों में कचरा कम मिल रहा है, एक डंपिंग स्टेशन बनाया गया है जहां पे आपको सबसे ज्यादा कचरा मिल रहा है। जैसे अली जैदी साहब, ये देखे ये सब लोग, हम इसके ऊपर भी आएंगे कि ये जो हमारे लोग सारे बयानात दे रहे हैं, ये बयानात में है क्या, प्रॉब्लम क्या है। अली जैदी साहब ने ये यहीं से कचरा उठाया, वो जीटीएस पे नहीं लेके गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कचरे को उठा के पार्कों में डंप कर दिया। वो तो उससे वो तो ज्यादा दूर भी नहीं गए ना, वो तो उन्होंने नाले से निकाला और उसके साइड में वहां पे नाले से कर निकाला और वो पार्कों में डंप किया। जब पार्किंग इंडिया की है क्या, वो ऐसा लग रहा था जैसे ये पार्कें जो है ये इसराइल का हिस्सा है या ये हिंदुस्तान में है। आपको सिंसियरिटी के साथ इस मुल्क में काम करना पड़ेगा, मतलब अधूरा काम किया ना। अच्छा अब कहते हैं, अब आते हैं, ये तो हो गया काम कि इसमें पैसा कितना है और इसमें टेक्निक्स क्या है, अब आते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ठीक है, ठीक है हुसैन थे वो साहब, जरूर हम इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी बात करेंगे कि ये असल जो है जिम्मेदार है वो कौन है जो कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है, जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है या शायद वो निभाना नहीं चाहता, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन थेबो साहब और आगा मसूद साहब और मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, ख़ासतौर पे जो कराची में इस वक्त सूरत हाल है, कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा, कौन इसका ज़िम्मेदार है और हल क्या निकलेगा, इस पर हम बात अपनी जारी करते हैं। आगा मसूद साहब बताइएगा कि क्या ऑप्शन क्या हैं हमारे पास, कौन ज़िम्मेदार है, क्यों ये एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो डाल देते हैं और बात जो है वो असल हल नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सिर्फ बातें हो रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं
कि वो करप्ट है, वो अच्छा नहीं है, वो नाहेल है, ये सारी चीज़ें तो हो रही ना। देखिए अब सवाल ये है कि एक मरकजी किरदार आता है वो बल्दियात के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, सिंध में बल्दियात के मिनिस्टर होते हैं, तो बल्दियात के मिनिस्टर साहब की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि मतलब वो भी आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के बाद ये पूछें, मेयर को बुलाएं कि भाई मेयर ये क्या हो रहा है। तो देखिए अगर आप बाहमी तौर पे मिलजुल कर आप कराची को नहीं संभालेंगे तो आप यकीन कीजिए कि कब कराची में आप अस्पताल आप तशरीफ ले जाती हैं कभी कभी, आप इस वक्त देखिए कि सूरत हाल ये है, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, फुटपाथ पे लोग लेटे हुए हैं, किसी की पेट की बीमारी है, किसी की सांस की बीमारी है, ये सब जो एयर पॉल्यूशन हुआ है ये उसके, तो मैं ये कहता हूँ कि बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं सिंध के, एक इंतहाई समझदार आदमी है, बहुत रोशन ख्याल आदमी है, मगर मैं उनके देखता हूँ कि वो इनफेक्टिव हैं, यानी उनमें कोई किसी किस्म की जो फालियत होती है, जो एक तहरीक होती है काम करने की, वो नज़र नहीं आती। तो इस वजह से ये जो मेयर साहब हैं हमारे मेयर साहब, वो अगर उनको अगर आप पैसे भी दे दें तो आप यकीन करें इनमें कोई विलिंगनेस नहीं है काम करने की। अगर विलिंगनेस होती है तो जो भी फंड मिला है, आप मैं कहता हूँ अगर उनको 100 रुपये भी मिले हैं तो 100 रुपये में काम करके तो दिखाएँ ताकि लोग ये कहें कि भाई वाह 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 बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन इनके ना काम करने से एक असाबी बीमारियाँ फैली हैं, दूसरी ये कि लोगों में मायूसी फैल रही है, लोगों में ये मायूसी फैल रही है कि कराची का जिम्मेदार कौन है। अच्छा ये खुद कहते हैं अपने बारे में, ये जो वसीम अख्तर है ये कहता है अपने बारे में कि मैं जो है ना मैं कराची के 2.5 करोड़ आदमियों का जो है नुमाइंदा हूँ। ये 2.5 करोड़ आदमियों का नुमाइंदा है और उसकी कारकर्दगी देखिए। देखिए हम ये समझते हैं कि इनको लोग इनको इलेक्ट करते हैं। मुझे एक साहब ने नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची के सिलसिले में, आप यकीन करें उन्होंने सही जुमला कहा। उन्होंने जुमला ये कहा कि अगर आप इतने नाहल हैं, आप नहीं काम करना चाहते, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाने के बाद ये है कि इसके बाद भी आप मतलब ये कि अपनी तनकीद से बाज नहीं आते, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी और को मौका दें कि भाई ये काम कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा स्पेस है, ऐसा नहीं है अब ये हुसैन थीपो साहब बैठे हैं, मैं समझता हूँ और भी हज़ारों मतलब ये लोग इस सिलसिले में इदराक रखते हैं, ज़हनत रखते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपसे ये नहीं हो रहा तो वही तरीका तो कार है, अपना काम जो है वो दूसरे नहीं, एक और मैं बताऊं, मैं दूसरी बात ये कि देखिए शुमाइला ये बस ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत जो है ना वो प्रो पीपल नहीं है, ये आवाम दोस्त नहीं है, इनकी जो तरबियत है मुझे मालूम है इस तरीके से, मुझे आज सहाफत में 40 साल हो गए, मैं जानता हूँ उनको, आई नो दिस पीपल, आई नो बैक ऑफ माइंड, 30 साल इन्होंने हुकूमत की और 30 साल हर हुकूमत के साथ ही रहे, हर हुकूमत के साथ रहे। तो भाई आप मुझे बताइए कि लोग ये पूछ रहे हैं, ठीक है कि बाद वक्त खौफ की वजह से नहीं बोल कर सकते क्योंकि एक बड़ा खौफ था, नहीं बोल सकते थे, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप खुल के बताएं कि भई हम इन लोगों ने हमें रोका था। और मैं बताऊं सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो लातालुकी का इजहार कर रही है, वो मतलब ये कि अगर उसमें कोई थोड़ी सी हमदर्दी होती कराची के लिए क्योंकि जो सिंध का कैपिटल है तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बदलती है। देवो साहब सिंध गवर्नमेंट लातालुकी का इजहार कर रही है तो काम कौन करेगा? देखिए जी मैं इसमें अब आपको बताऊँ कि ये सिंध गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें। दुनिया में क्या होता है कि दुनिया में जो ये काम है ये लोकल गवर्नमेंट के पास होता है, रोड बनाना, सफाई करना, डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, जो आपके एमपीए और एमएनए और आपके सेनेटर होते हैं वो लेजिस्लेशन करते हैं, वो कानून साजी करते हैं। ये पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर का काम ही नहीं है कि वो आके कूदे और अपने ड्रामेटिकली अंदाज में जो है वो एक दिन का CM बन के आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर 1 लाख एम्प्लॉई हैं, 1 लाख में से 50,000 ऐसे हैं जिन जो आते ही नहीं है, सिर्फ सैलरी लेते हैं, गौस मुलाजिम। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है कि उसमें एक मिनिस्टर आता है, वो देखता है कि अगले मिनिस्टर ने ऐसे 50,000 आदमी ऐसे रखे हुए थे, वो कहता है कि चलें ठीक है इस पर आंखें बंद कर लें और आप भी 10,000 एम्प्लॉई और ऐसे रख लें। अभी मैं रिसेंटली एक हम सियासी भर्तियां हुई हैं, 100% सियासी भर्तियां हुई हैं जो आते ही नहीं है। अभी रिसेंटली एक केस आया, हमने अपने एक प्रोग्राम में एक केस डिस्कस किया, वो एक मिनिस्टर है, उनके रिश्तेदार हैं, वो सैयद हैं, वो स्वीपर हैं लोकल गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा जी मैं तो सैयद हूँ और मैं फलां मिनिस्टर का हूँ, मैं तो सिर्फ तनख्वाह लेने आता हूँ। ये तो हमारे सिंध गवर्नमेंट की हालत है, इस तरह से तो इस मुल्क को लूटा जा रहा है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। आप देखें करप्शन जो है वो 3 टाइप की होती है, करप्शन फाइनेंशियल करप्शन होती है, मॉरल करप्शन होती है, एथिकल करप्शन होती है।
अगर आप पैसा नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट बजट आपका सिंध गवर्नमेंट का 256 अरब था जिसमें उन्होंने सिर्फ 25 अरब रुपए खर्च किए, वापस कर दिए, तो ये करप्शन है, ये भी करप्शन, ये मॉरल करप्शन है, ये एथिकल करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन नहीं है कि आपने सिर्फ करप्शन किए पैसे खाए, नहीं आपने पैसे वापस कर दिए। क्या आपके पास सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए हैं? बिलावल साहब ने एक दिन एक ट्वीट किया कि जी वो वजीर आजम साहब ने जो है वो बेगर्स को पकड़ा है, वजीर आजम साहब खुद बड़े बेगर्स हैं। मैंने उनके स्पोक पर्सन जो मुस्तफा नवाज खोखर है, मैंने उनको टेक्स्ट किया जी मेरे प्रोग्राम में आए और बात करें। बिलावल साहब को ये नजर आ गया कि जी वो बेगर्स को पकड़, ये क्यों नजर नहीं नजर आ रहा कि ये यहाँ पे जो हमारे लाड़काना में, हमारे सखर में, थर में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग हेपेटाइटिस सी बी टीबी क्या क्या बीमारियां नहीं है, एचआईवी देखें। मैं आपको बताऊं, मैं एक सिंध गवर्नमेंट को इसमें एक चीज वान कर दूं कि मूसा एक दिन आ जाएगा। फ्रोन का दौर था, फ्रोन ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बादशाह हूं और ये मैं किंगडम चला रहा हूं और एक दिन उसके घर में मूसा पैदा हुआ। तो इससे पहले कोई मूसा आ जाए जो तख्त को उल्टा कर दे, खुदारा बहुत हो गया ना, कितने कितने साल हो गए हैं आपने वहां पे तो एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में सेंस आए। हम तो कराची की बात कर रहे हैं ना, हम तो पूरे सिंध की बात कर रहे हैं। पूरे सिंध में क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? वहां जाके आप देखें, रोड देखें, रास्ते देखें, हॉस्पिटल का निजाम देखें, एजुकेशन देखें, एजुकेशन में कॉपी कल्चर हो रही है। मिनिस्टर साहब आते हैं वो हंस के कहते हैं असल में कॉपी इसलिए हो रही है कि व्हाट्सएप आ गया है, तो वो व्हाट्सएप पे अभी ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, फिर एजुकेशन मिनिस्टर खड़े होकर कह रहा है कि हाँ 1.5 लाख जो है वो टीचर्स हैं सिंध में, उसमें से 50,000 जो है वो गोस एम्प्लॉई हैं, लेकिन अगर पड़ोस वाले कहें, अपोजिशन वाले, तो मैं एक्शन ले लूं। भाई आप एक्शन लो ना, कब लेंगे इस मुल्क के लिए, कब तक ये बातें होती रहेंगी? मतलब कोई भी आप इदारा उठा के देख लें, आप तालीम देख लें, सेहत देख लें, सफाई देख लें, किसी पर टॉपिक पर भी बात करें, तो हमें वो घूम फिर के जो मामलात हैं वो फिर आ जाते हैं कि आप सर के पास जाएं, मैं एक मिनट देखें, बात ये इनके पास पैसा भी है, ठीक है, बजट भी है, इनसे काम नहीं हो रहा। काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा काम क्यों नहीं हो रहा है। काम इसलिए नहीं हो रहा है कि ये ऑफिस जो जहाँ हम बैठे हैं ना, इसकी रिनोवेशन करानी है, इसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आना है, ठीक है, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी है। अब तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स काम है, आप वेबसाइट पे जाके रेट चेक कर लें, वो सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने काम ही ऐसे किया था कि वो 10% पैसे लगाते थे, 90% फाइलों में आ जाते थे। अब उनको प्रॉब्लम है कि नैब बैठी हुई है, एंटी करप्शन बैठा हुआ है, वो हमसे काम, उनसे ट्रांसपेरेंट काम हो ही नहीं सकता। मैं तो हुसैन थेपो साहब से बिल्कुल इतफाक करता हूँ, क्योंकि देखिए हम दोनों कॉलमिस्ट भी हैं और आते हैं हम टीवी वगैरह पे, मुझे तो 40 साल हो गए हैं। मैं देखिए ये समझ रहा हूँ कि ये वाकई नाहल हैं, ये काम करने, देखिए करप्शन जो होती है ना वो सबसे बड़ी दुश्मन होती है गुड गवर्नेंस की। अगर गुड गवर्नेंस अगर किसी मुल्क में नहीं है तो आप समझ जाइए कि उसके पीछे करप्शन है, और करप्शन ना होने की वजह से आपको जब करप्शन होता है तो आप यकीन है सारे इदारे जो हैं वो टूटते हैं। लेकिन उसमें ब्यूरोक्रेसी भी तो शामिल है ना, आप ब्यूरोक्रेसी को क्यों, आप सिर्फ इन्हीं को, मेयर को या मुस्तफ़ा कमाल को या सिंध गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी भी इसमें शामिल है। जो सानवी दर्जे की ब्यूरोक्रेसी है वो इससे ज़्यादा करप्ट है। यानी आप उसको अगर देखें कि उनके पास नौकरी से पहले उनकी क्या हालत थी और अब वो किस तरह रह रहे हैं, क्या उनका ज़िंदगी का मेयार है। लेकिन जहाँ तक काम करने की ताल्लुक है, आप यकीन करें दे डोंट वांट टू वर्क, और ना उनके उनके दिल में किसी के लिए हमदर्दी है। आप मुझे बताइए कि जब न्यूयॉर्क टाइम में या वाशिंगटन पोस्ट में ऐसी खबरें कराची से मुतालिक आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप दुश्मन को स्पेस दे रहे हैं कि भाई कराची में अगर आप कुछ सब कुछ कर सकते हैं, यही है ना। आजकल देखिए हालत कितने ख़राब हैं, है ना, आपको नहीं मालूम कि कब कब इंडिया जो है ना आप पे अटैक कर देगा, आप उसका जवाब दे देंगे। लेकिन जब कराची से मुतालिक ये बात होगी जो आपको फीड करता है, यानी आपकी 60% इकोनॉमी जो है ना या 70% इकोनॉमी जो है वो कराची से चलती है, इसके बाद भी आप मतलब ये काम करने को तैयार नहीं है। और फिर आप अस्पतालों में जाएंगे, दवाइयाँ नहीं हैं। आप तो कश्मीर का रो रहे हैं ना कि भाई कश्मीर में दवाइयाँ नहीं हैं, फाके हो रहे हैं। हम उनके साथ हैं, आज पूरे मुल्क में लोगों ने यकजहती होकर कश्मीर पर डर गया, लेकिन कराची में आप जाके अस्पताल में सूरत हाल देखें, जिन्हा अस्पताल देखें, सिविल अस्पताल में देखें, प्राइवेट अस्पताल में देखें, भरे हुए लोग। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए इन लोगों में, इनको भी तो आखिर किसी जगह अदालत में जाना होगा ना, एक अल्लाह की अदालत में जाना होगा, तो पूछा जाएगा आप क्या कर रहे हैं।
ट्रांसपेरेंट चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी हुकूमती इदारे हैं वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रांसपेरेंसी का इंतज़ाम है वो लाया जाए, जो इकदाम किए जाएँ, जो लोग वहाँ काम करें वो ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुजर कर अगर वो काम करें तो बेहतरी ज़रूर हो सकती है। मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, ये ज़रूर पूछेंगे कि आखिर इन तमाम चीज़ों का हल क्या होगा, सोलूशन क्या होगा। लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कराची में जो गंदगी है, जो गलाजत है, जो कचरा जगह जगह नज़र आ रहा है और उसको उठाया नहीं जा रहा, जिसके बायस जो फ़िज़ा है वो काफ़ी नागवार बदबू फैली हुई है और ख़ास तौर पे जब बारिश हुई है तो उसके बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। जगह जगह पानी खड़ा हो गया है, नालों पर से सफाई का अमल जो किया गया था उसका कचरा निकाल के नालों के बाहर होने की वजह से वो मज़ीद गंदगी को फैला रहा है। तो जो सूरत हाल है उस पर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुसैन थेपो साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है हम हर चीज़ का मलबा गवर्नमेंट पे तो डाल देते हैं, कहते हैं ठीक है उनका काम है, इदारे हैं, जाहिर है बिल्कुल, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां तो हमारी भी होंगी ना कुछ। मतलब हमने ये देखा बकरा ईद के बाद कि अब तो खैर एक टाइम गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो बकरा ईद का जो था कचरा वो भी लोगों ने सड़कों पर रोड पर फेंक दिया, कई बीमारियां फूट पड़ी, बारिश हुई, मजीद तबाही आई, मजीद खराबियां हुई, तो मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी, हमने क्यों नहीं सिविक सेंस। आपने ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, ठीक है। अच्छा, अब हमने गवर्नमेंट की भी बात कर ली, हमने अपोजिशन की भी बात कर ली, देखें हमारा सिविक सेंस भी तो कुछ होना चाहिए। हम 10 लाख रुपये का नारे लगाते हुए झूमते नाचते जानवर ले आते, सिर्फ 500 रुपए कचरे वाले को नहीं देते हैं, वो गली में फेंक देते हैं। देखें रियासत माँ होती है, लेकिन माँ की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। हमारी जो घर में माँ है वो कचरा जब हम करते हैं तो वो भी थप्पड़े मारती है, बच्चे जब छोटे अभी भी मारती है मेरी माँ, तो माँ की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। मैं अभी पाकिस्तान से बाहर था लास्ट वीक में, अच्छा तो मैं जा रहा था एक म्यूज़ियम में, तो वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने क्या किया, वो कचरा किसी ने फेंका, उसने उसको बुलाया, एक्सक्यूज़ मी सर, उसने उसको दिखा के उठा के डस्टबिन में फेंका। यकीन माने ये तो हम पे भी है ना, जब हम यहाँ जैसे ही हम यहाँ से फ्लाई करते हैं तो हम भी चेंज हो जाते हैं, हम क्यों में चले जाते हैं, हम सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और डस्टबिन ढूंढ रहे होते हैं और क्यों में लग जाते हैं। तो हमारी गाड़ी में शॉपिंग बैग रखते हैं कि केन्स इधर उधर ना हो, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। दूसरी मैं आपको एक प्रैक्टिकल और बात बताऊँ, हमने एक सर्वे किया अभी कि लोगों में, एक एनजीओ था उसके साथ हमने मिलकर सर्वे किया, लोगों में बेसब्री क्यों है, आप देखेंगे अच्छा देखेंगे, आप गाड़ी में हैं, आपको जितनी भी आयतें याद होती हैं पढ़ रहे होते हैं कि बाइक वाला मेरे आगे पीछे ना आ जाए, ये कहीं मुझे मार ही ना दे। अच्छा बाइक वाले को इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है, अगर आप उसको पूछें 100 में से 90 आदमियों से पूछें कि भाई आपको जो जल्दी है आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहेगा कहीं भी नहीं। बस हम एक कौम जो है वो एक सुकून नहीं है, जब तक आप अपने अंदर देखें, रियासत के काम तो हैं वो, तो हम उनको बोलते रहे वो इंशाल्लाह एक दिन ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन एज अ कौम भी तो हम बने ना, हम कचरा खुद करते हैं, हमने घर को बहुत अच्छे तरीके से साफ रख लेते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसा अरेंजमेंट भी कर लें कि ये मुल्क भी हमारा है, ओन नहीं कर रहे हैं, ये हम ओन नहीं कर रहे हैं, शहर को ओन नहीं कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को। अच्छा मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मेरे पास एक कस्टमर आए तो मैं उनको, वो टर्किश था, मैं उनको नमाज पढ़ाने के लिए जुम्मे की लेके गया, हम बाहर आए तो वो कुल्फी वाला खड़ा हुआ था, उसने कहा कि ये मैं कुल्फी खाऊंगा। अच्छा मैंने लेके दी तो उसने, वो स्टिक होती है ना उसमें, तो वो मैंने फेंक दी, उसने काफी देर तो मुझे बोलता रहा, मिस्टर थे वो यू आर अ जेंटलमैन, व्हाट आर यू, मैंने तो पहले परेशान था कि मैंने किया क्या, फिर उसने मुझे बताया कि आपने स्टिक नीचे फेंक दी। अब हमारे तो मुआशरे में ये पहले तो वो देख के ही परेशान हो गए, नहीं हो गए कि मतलब मस्जिद के बाहर भी इतना कचरा है, यकीन माने वो तो बात की बात है, लेकिन उसने जो मुझे किया, आज तक मैंने कभी स्टिक, जबकि मस्जिद के बाहर तो कचरा ही कचरा भरा होता है गलियों में, तो मैंने आज तक फिर स्टिक, तो हमारी सिविक सेंस, हम लोगों की भी तो कोई रिस्पांस जी। आगा मसूद साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बात असल ये है कि जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती ना हो वहाँ यही होता है, पाकिस्तान के अंदर कम से कम कराची में, सुनिए तो मैं बता रहा हूँ, देखिए बात असल ये है कि मैं, मुझे आप इजाजत दें, देखिए कानून की बालादस्ती से
इंसान की जो तहजीबें हैं वो पनपती हैं। अगर कानून की बालादस्ती नहीं है तो फ्री फॉर ऑल है, कराची में फ्री फॉर ऑल है। मेरा तो मैंने तो कई मरतबा जज साहबान से मेरी मुलाकात रहती है, तो मैंने जो कि आप रिटायर हो चुके हैं, मैंने उनसे ये कहा कि जो मौजूदा अदालतें हैं क्या वो सुमोटर नहीं ले सकती? साकिब निसार होते तो आज सुमोटर लेकर इसी मेयर को सबको बुलाते, मुस्तफ़ा कमाल को बुलाते, सिंध हुकूमत को भी बुलाते, है ना, बल्दिया के मिनिस्टर को भी बुलाते। लेकिन ये कि ये हल है इसका, लेकिन आप मैं देखता हूँ कि अदालत क्या अदालत में बैठे हुए जज साहबान क्या बड़े बड़े वकला क्या इस गंदगी से नहीं गुजरते? क्या उनके घर में बीमारी नहीं है? हाँ मसूद साहब, इसी प्रोग्राम में एक मेरे गेस्ट ने ये सजेशन भी दी थी कि 6 महीने के लिए कराची को फौज के हवाले कर दें। जी तो मैंने उनसे ये कहा कि मतलब हर चीज़ हम फौज पे क्यों वो करते हैं कि हम गंदगी करें और फिर हम कहें कि फौज के हवाले कर देते हैं। तो अब ये शुमारा मैं आपको कहूँ, मैं इजाज़त प्लीज़ मैं कहता हूँ, ये देखिए ये माइंडसेट अच्छा नहीं है। देखिए फौज का जो काम है, फौज का जो काम है सरहदों की हिफाजत करना, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है जैसे सैलाब आ गया या कोई हरिकेन आ गया तो फौज को बुलाते हैं, रेंजर्स भी मौजूद है। देखिए ये कोई हल नहीं है, हल जो सिविल सोसाइटी है, मतलब मेरे मादी है कि जो आपके लेजिस्लेटर हैं, जो आपके बल्दिया के मिनिस्टर हैं, मेयर हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। अच्छा पर जैसे थेपो साहब ने सही फरमाया कि आवाम का भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, लेकिन आवाम जो है बेहस है, उनको कोई परवाह नहीं है। आप यकीन करें, एक सेकंड एड करने, सर पहले कंप्लीट करें, आप करें, आप करें। अच्छा देखें ये लोग क्यों कहते हैं कि अच्छा फौज ने आके कचरे के साथ जंग नहीं लड़नी, फौज ने कचरे के ऊपर बम नहीं मारने। फौज के लिए लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन है जो ना तो इसके अंदर कोई करप्शन है, ना तो इनके अंदर कोई वो जहाँ पे हमारे यहाँ फेवरेटिज्म है, डिसिप्लिन तरीन इदारा है हमारे मुल्क का, इसलिए वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। वो लोग इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज को ला दें, उसने आगे जंग नहीं करनी। लेकिन ये हल तो नहीं है ना, नहीं हल नहीं है। दूसरे हल इसका ये है कि आप KMC को फौज जैसा अच्छा इंस्टीट्यूट बनाए। फौज का मतलब ये नहीं है कि फौजियों को लाएं, फौज का मतलब ये है कि उस इंस्टीट्यूशन से कोई भी ईमानदार अफसर आके यहाँ आप लगाएं, ये काम ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो एक इंस्टीट्यूशन आपके पाकिस्तान में सही है, मिसाल है, ये एग्जांपल है ना, तो आप सब इंस्टीट्यूशन को आर्मी के जैसा अच्छा बनाए ना। देखिए एक तो बात यह है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा नातवां है और कमजोर है, है ना। मैं भी मतलब ये कि मेरे अंडर भी KMC रही है, लेकिन इसका कोई देखिए प्लान नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये जो मैंने कहा ना सानवी दर्जे की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं ना, इन लोगों का काम ये है कि ये एक बाकायदा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में बताएं हुकूमत सिंध को कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं होगा तो बारिशों का पानी सड़कों पे होगा, बारिशों का पानी घरों में होगा, तो ये इनकी जिम्मेदारी है। देखिए कराची जो है ना, आप मुझे बताइए कि 70 साल से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा कि कोई ठीक है? हम अब सजेशन पे बात कर लेते हैं। क्या सजेशन आगा साहब आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को इस मसलों को ठीक करने के लिए? मेरा तो मैं तो सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए हमने सिंध गवर्नमेंट के बारे में हुसैन थेपो साहब ने भी बात की। देखिए बात असल ये है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप में विल है ही नहीं, अगर आप काम नहीं करना चाहते और हराम खोरी करना चाहते हैं, आपको मतलब ये कि हराम पैसा लग गया है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं देखिए मेरी सहाफत की जो ज़िंदगी है ना, उससे मैंने बड़े उतार चढ़ाव आए हैं और मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना नहीं काम करना चाहते, इखलाकी तौर पर तबाह हो चुके हैं पूरे कराची में, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो चाहे एक आम आदमी हो, इखलाकी तौर पर इतना बड़ा इनहिताद आया है कि मैं आप यकीन करें देख के मुझे अफसोस होता है। बाहर से जो लोग आते हैं उसके आसान तरीका यह है कि हमारी जो अदालतें हैं ना वो सुमोटो लें और बुलाएं लोगों को और पूछें कि भाई इस सिलसिले में क्या करना, और नोटिस जैसे साकिब निसार साहब करते थे। ठीक है हुसैन थेबो साहब आपसे सजेशन। अच्छा मैं सजेशन सिर्फ इतनी दूंगा कि हजरत मूसा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग लगी तो एक परिंदा अपने चूंच में पानी लेके जा रहा था, लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये मैं हजरत अल्लाह के नबी हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको आग लगी है उनको आग बुझाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आग तो आसमान से है, आपका कतरा क्या करेगा? उसने कहा मेरा फ़र्ज जितना था मैं अपना पूरा कर रहा हूँ। जब तक हम पाकिस्तानी वो आम आदमी हो वो ब्यूरोक्रेट्स हो